लगातार शहर में हो रही वाहन चोरी को देखते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा चलाया जा रहा चेकिंग अभियान में माधव नगर पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पत्रकारों से चर्चा में सीएसपी ने बताया कि उज्जैन, इंदौर और भोपाल से चुराई गई 7 मोटरसाइकिल बरामद करने में माधव नगर पुलिस को सफलता मिली है। सीएसटी हेमलता अग्रवाल ने बताया कि 0 पॉइंट स्थित वाहन चेकिंग के दौरान इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे कड़ी पूछताछ के बाद 7 मोटरसाइकिल उज्जैन, इंदौर और भोपाल से चुराना कबूल की है, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। आरोपी गणों से पूछताछ में यह भी पता चला है कि एक बाइक उज्जैन की यूनिवर्सिटी स्थित तालाब में पुलिस के डर से शातिर बदमाशों ने डाल दी, उसे भी माधव नगर पुलिस क्रेन द्वारा निकालने की कोशिश कर रही है। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कर्मियों की भूमिका रही है। थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, प्रधान आरक्षक संतोष राव, आरक्षक अमरनाथ, आरक्षक केशव, सुनील पाटीदार, धर्मेंद्र सूर्यवंशी आदि की अहम भूमिका रही है। लगाई जाती है उसके चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल संदिग्धों को पकड़ा गया। उन्होंने पुलिस को देखते संदिग्धों ने पुलिस को देखते हुए अपनी बाइक वापस मोड़नी चाहिए, लेकिन पुलिस की तत्परता से पुलिस ने उनको पकड़ के उनके खिलाफ पूछताछ करी उन लोगों से, तो उन्होंने मोटरसाइकिल को चुराना बताया। और ये मोटरसाइकिलें वो थाना माधव नगर क्षेत्र से और ज़िले के अन्य क्षेत्रों से भी चुरा कर लाते थे। और उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि जो उनका साथी लखन पिता गोकुल और उसका एक साथी जो नाबालिग है उसको बेचना इन लोगों ने बताया। पुलिस ने इन लोगों को भी पूछताछ में बुलाया और उन्होंने अपना जुर्म मतलब उसमें अपनी पूछताछ में बताया कि हम लोगों ने इन लोगों से खरीदी। आज पत्रकार वार्ता लिए क्या कुछ खुलासा कराया? आज पुलिस थाना माधव नगर की टीम ने 4 बाइक चोरों को जो अपने थाना क्षेत्र से और बाहर के जिलों से चोरी करते थे मोटरसाइकिलों की, उनको पकड़ा है। हाँ, इनमें से जो आरोपी हैं उनका पहले भी रिकॉर्ड रहा है इन मोटरसाइकिल चोरी में, कई बार ये 1-2 बार जेल भी गए जा चुके हैं। मेन इसमें है भूरा और पवन पिता बने सिंह। ये चोरी करके क्या करते थे भाई? अभी जो बाइक चोरियाँ हुई हैं वो रिसेंटली हुई हैं। इन्होंने अभी बाइक चुरा चुरा के कहीं कॉम्प्लेक्स में या कहीं अपने दोस्तों को हैंड ओवर कर रखी थी, तो उन लोगों से हमने बरामद किए। अभी इनका बेचने का इरादा था इन फर्दर अब फ्यूचर में अपन देखें, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स में इन्होंने सुरक्षार्थ इनके हिसाब से रख रखी थी। और दूसरी चीज़ों पर पूछताछ जारी, पूछताछ अभी इसके बारे में चल रही है।